मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर असमंजस बरकरार है। मुख्यमंत्री गुरुवार को भोपाल से बाहर रवाना हो गए हैं। आज रात को वो बैतूल के सारणी में रहेंगे। वो शुक्रवार दोपहर तक भोपाल वापस आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि उनके मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार दोपहर बाद हो। कल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल 26 अगस्त को ग्वालियर की यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलके में इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा गया। शिवराज कैबिनेट में अभी 3 मंत्रियों की जगह खाली है। सरकार ने पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को दीनदयाल अंत्योदय योजना समिति का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बिठाने के क्रम में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो। वहीं मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात ने इन चर्चाओं को बल दे दिया है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी बीजेपी या सरकार की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई भी औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार काफी ज्यादा अहम माना जाएगा भाजपा सरकार के लिए, क्योंकि भाजपा सरकार में अभी काफी ज्यादा स्थिति अजीबोगरीब चल रही है। ऐसे में राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद भावी मंत्री के तौर पर गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और जालम सिंह के नाम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस पर अभी कोई भी अहम तरीके से औपचारिक ठप्पा नहीं लगा है और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी का भी संभावित मंत्रियों की सूची में नाम बताया जा रहा है। अभी जो नाम मंत्री बनने की चर्चा में है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो नाम वायरल हो रहे हैं, वे पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इस सूची में फिलहाल सिंधिया समर्थक किसी विधायक का नाम शामिल नहीं है। पूर्व में हाट पिपलिया के विधायक मनोज चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा भी जोरों पे थी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार टलने की वजह से कई वरिष्ठ विधायकों में मायूसी हाथ लगी है और अभी किसी भी नाम पर फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है। तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।